Miriam. Yes, good. And you? Yes. You are good? What's your name? My name is Brian. What is this? It's the Indian, it's the Roman, it's the potato and other things like good. Nice to meet you. Thank you. Yeah. So what are you selling? Like beans or something? Beans, peas, rice, flour. और इस बाइक का टायर जैसे हिल रहा है तो अच्छा है कि टायर निकले नहीं तो बेटर है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, बंसी विष्णु एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारा युगांडा में पहला दिन है। पहले दिन मैं यहाँ पे रुका हूँ, इधर ऊपर एक गेस्ट हाउस जैसा कुछ है, कंट्री व्यू होटल, ठीक है। ये होटल मिला करीबन $5 के आसपास, तो ठीक है, ज्यादा महंगा नहीं है। तो अभी हम चलते हैं कुछ दिखाने के लिए, शहर घूमने के लिए। और यहाँ पे सेफ नहीं है, जैसा कि पहले भी मैंने बताया, यहाँ पे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। तो जब तक लोकल भाई साहब साथ में है तब तक तो दिक्कत नहीं है। अभी एक अल्कोहलिक भाई था दुकान पे बैठा हुआ, वो बड़ा खुश था और उसने हमको एक एक फ्रूट दिया। अब इस फ्रूट का नाम तो पता नहीं है, लेकिन जब इसको तोड़ते हो अंदर से थोड़ा जूस जैसा कुछ निकलता है। व्हाट इज दिस फ्रूट नेम? आई डोंट नो, इट इज कॉल्ड डी, आई डोंट नो द देयर ओन नेम। ये भाई को भी पता नहीं है। तो जैसा कि देख सकते हैं, एक गांव में आने के बाद जो यहां का माहौल होता है, कल्चर होता है, वो यहां पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैं पीछे देख रहा हूँ कुछ महिलाएं सिंग है, फिर कोई बीन्स है, मतलब बीज वगैरह साफ कर रही है। यहाँ पे आपको आटा वगैरह ऐसा मिल जाता है, देखो ये सब दुकानों पे बीन्स वगैरह मिल जाते हैं, लोट वगैरह मिल जाते हैं। तो मतलब एक गांव की छोटी मोटी मार्केट होती वैसा यहाँ पे कल्चर है। देखो लोग यहाँ पे गेम खेल रहे हैं और अंदर बोरे भरे पड़े हैं। तो इंडिया जैसा ही मार्केट है, लेकिन स्पेशल यहाँ पे देखो लेके मक्की और अलग अलग प्रकार की दाल और Desi style में, it's amazing. You play. यार क्या बात है यार, एक ऐसी जगह और इतना मूड फ्रेश, कमाई हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इंजॉय करो इस चीज को, यही सबसे बड़ी बात है। तो काफी अच्छा लगा इनकी दुकान। सो दिस इज योर शॉप? या। सो व्हाट यू सेलिंग? Like beans or something? Beans, peas, rice, flour. Okay, I will check. You play. Okay. Now it's like my shop. ये भाई क्या है? Groundnuts. Yes. Rice. It's good, good quality rice. It's good. Yes. So ये भाई देखो, ये ऐसी चीजें यहाँ पे रखते हैं। और ये है बीन्स, यहाँ पे बीन्स वगैरह, दाल, मक्की, ये सब कुछ है। और साथ में यहाँ पे गेम खेल रहे हैं। So, yeah, this is also beans. For the first time, see this. It's a very good quality. Yes, good. How much is a kilogram? A kilogram is 5,000, that one. 5,000? Yeah, that one is 5,000, this one is 4,000, this one is 35,000. And this one? Maize. Maize is only 2,000. 2000 किलो? वाओ, इट्स सो चीपर भाई, करीबन 70 रुपया, 60 रुपए के आसपास किलो है। हाउ अबाउट सोयाबीन? सोयाबीन इज 3000। सो यू स्पीक लाइक इन युगांडा लाइक इंग्लिश? या, इन युगांडा वी स्पीक इंग्लिश। यू हैव नो लोकल लैंग्वेज? वी हैव अ लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज इज वी हैव। या ओके। हे, व्हेन यू गेट समबडी हु स्पीक्स इंग्लिश, इट्स गुड। व्हाट्स योर नेम? आई एम गुड, इट्स अजाक। Chizak. Yes. Chizajak. Chizajak. Okay. Yes. My name is Bansi. Okay. I am from India. Nice to meet you. See you. Thank you. Today okay. I live in your city. Okay. And I just want to explore like your local market. Hey. Yeah. I like this. I live. You like to establish it here? I live also in a village. Okay. I eat also this kind of like. Hey, produce. Yeah, chapati. Yeah. Hey. Good. Doing a good. Okay. So now you play. Continue. No problem. So, अभी
उधर से हम चलते चलते आए और इधर एक मार्केट है, यहाँ पे पूरा सब्जी वेजिटेबल केला सब कुछ है। सो वी गो इनसाइड मार्केट, इट्स नॉट प्रॉब्लम। सो इज वीडियो अलाउड? वीडियो या इट मे नॉट बी पॉसिबल। सो भाई अभी हम मार्केट में आए हैं और यहाँ पे थैंक यू, यहाँ पे आलू वगैरह बेच रहे हैं, केला है। This is the matoke. Banana. Banana. But they, what they use? No, they just plant from the soil. Then when it goes up, it brings this one like a fruit. This one we peel. Huh? After peeling, then we make the matoke. Oh. We put beans. Uh-huh. Yeah. Okay. Yeah. So ये देखो भाई यहाँ पे सब केले केले हैं. It is the one inside. Inside. This is the other one. It's called the yellow bananas. Uh-huh. We get the yellow bananas from this one. Okay. The yellow bananas. This one when it ripes. Uh-huh. Yeah. Okay. Good. अभी हम चलते हैं फ्रूट मार्केट में यहाँ पे अंदर और ये भाई साहब देखो लोग बेच रहे हैं। This market is big. Oh, yes. Yes. भाई ये वाली मार्केट बहुत बड़ी, यहाँ पे बहुत सारे सेलर है छोटे छोटे, पूरा व्यवस्थित ढंग से। इज लाइक स्टॉल नंबर? Yeah, this is the number. Yes. The government makes, mm-hmm. and they give you a number. Oh, they also pay like a rent? Yeah, of course you pay tax. Yeah. Yeah. You also sell a coffee, tea? Yeah. It's a cold drink? Yeah, this is my favorite. What's your name? Okay, no problem. We just looking a market. Oh, यहाँ पे भी राइस वगैरह देखो। Yeah. Yes, good. तो चलते हैं अभी मार्केट के अंदर, यहाँ पे देखो। How much? 7K. 200 रुपए के आसपास है भाई, 150। टमाटर वगैरह है और ये देखो पूरा मार्केट। So what is this fruit like? Jack fruit? Yes. Madam. He wants to know this. Like what is this? Cherry melon. Okay. Is it sweet? Yes. It's sweet? It is really? Mmm. Yeah, but sweet beer. How much this one? 1,000 for per piece? Yes, yeah. It's good. I just see first time this one. Are you sure? Yeah. Oh. But yeah, they are very many. Yeah, some fruit of different a lot. Even me, I've not tasted that. Huh? I've not tasted. Yes. How about this one? Do you know this? Yeah, this is jackfruit. Jackfruit? Yeah. Yeah, so also in India. How much price? 10,000. 10,000 for one? Yeah. 9,000. So how can eat this one? This one you cut, then you remove the pieces as you eat. Like pieces you eat direct? Yeah. It's sweet? It is sweet. Oh, I don't eat before. Hey. Really, yeah. Okay. तो ये यहाँ की मार्केट है, रोचक मार्केट है, काफी ज्यादा यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं। मीट बट लाइक ए गोट और लाइक ए डियर? काऊ, गोटी, एवरीथिंग। दे आल्सो ईट काऊ? या। ओह शिट। सो यू डोंट ईट? आई डोंट लाइक। बट इन इंडिया नो काऊ ईट। यू डोंट ईट काऊ? यस। लाइक ए गोट और समथिंग इज ओके बट द गोट्स आर आल्सो देयर। So you have your own challenges why you don't enjoy cars. Yeah, I don't. I don't show this picture also in video. Yeah. Yeah. So अब चलते हैं मार्केट के बाहर। मार्केट में लगभग 300 काउंटर है, हमने काउंट कर लिया कि 300 काउंटर है। देखो 336. Yeah, this is empty jerrycan. Empty jerrycan. Oh, it's okay. Yeah, yes, yes. तो ये अभी मार्केट तो ये इतनी बड़ी सी मार्केट है, इस मार्केट को कबाला सेंटर मार्केट। तो अभी मार्केट आप घूम लिए, अभी हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू द गोल्फ पिच। ग्रुप पिच चलते हैं, पता नहीं क्या है वहाँ पे, गोल्फ वगैरह कुछ होगा तो देखते हैं। सो लेट्स गो, नो प्रॉब्लम। हाउ मच दे वांट? एक्चुअली इट इज 2000 अराउंड 2000। हां, इट्स ओके, लेट्स गो। व्हाट डू यू हैव? बटाबट? या बटाबट। तो हम युगांडा की पहली सिटी में भ्रमण कर रहे हैं, साथ में हमारा दोस्त भी है, साथ में भाई का वाइफ वाले हैं। तो अभी हम जा रहे हैं 2-2.5 किलोमीटर दूर दूसरी लोकेशन है वहाँ पे, और वहाँ पे क्या होता है देखते हैं। और इस बाइक का टायर ऐसे हिल रहा है, तो अच्छा है कि टायर निकले नहीं तो बेटर है, लेकिन ठीक है चलते हैं। दिस इज ए टी।
I know. Yeah. Because in India, tea is available. Hey, you also have tea. Yeah. This is Indian tea is very famous. Hey, okay. So, अभी हम आए एक माउंटेन पे, पहाड़ी पे, और यहाँ पे चाय का बगान है, और यहाँ पे देखो इंटरनेशनल गोरिला कंजर्वेशन प्रोग्राम. So you in Uganda, you have a like gorilla? Yeah, gorillas have many in Bindi. Yes. Yeah, in Bindi. So, how many kilometers? Yeah, 74 kilometers from Kabale. 74 किलोमीटर दूर यहाँ से गोरिल्ला रहते हैं. Yeah. लेकिन अभी हम चलते हैं इस तरफ और अभी आपको. If you come with when you're sorted, then you make a program. I take you to Bindi. Yeah. You see gorilla. So I will come back again. Yeah. Then we travel there. Yeah, I take you. और यहाँ पे भाई गोल्फ कोर्ट है ये वाला बड़ा सा. और ये पहाड़ के ऊपर आए हम लोग, काफ़ी मुश्किल से मोटरसाइकिल यहाँ पे पहुँची. ये गोल्फ कोर्ट है पूरा एरिया, इसके अंदर जाना मतलब 5 लाख सीलिंग का फाइन है, तो अंदर नहीं जा सकते. लेकिन यहाँ से रोड पे घूमते घूमते हम देख सकते हैं, ये काफ़ी हाई फाई एरिया है, काफ़ी ग्रीन और काफ़ी खूबसूरत एरिया यार. मतलब युगांडा रवांडा सब ब्यूटीफुल कंट्री है. तो ये देखो बड़े बड़े पेड़ काटे गए, यहाँ गिर गए, पता नहीं शायद गिर गए होंगे क्योंकि ये नहीं काटे, इसका मतलब है. तो पूरा माउंटेन है और यहाँ पे चाय के बगान है. ये अभी एंटर हुए पहली सिटी है कबाले. तो आज मैंने सोचा यहीं पे रह जाएं यार एक दिन के लिए, फिर कल आगे की ओर निकलेंगे. तो आज इस सिटी को घूम के दिखाते हैं. और हमारे साथ भाई साहब ऑलरेडी साथ में चल रहे हैं. ओरेली. और यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बकरियाँ हैं. कैन आई टच हिम? ये नहीं आ रही यार, छोटी छोटी पहाड़ी बकरियां, बिल्कुल छोटी छोटी. और ये भाई साहब चरा रहे हैं. हेलो, हाउ आर यू? यस, द किगाली टू केन्या ओनली वन बस. Yeah. Yes. Why are you Uganda? But in India not possible. Yeah, it is not possible. India is bigger. So, भाई साहब अभी हम इस पहाड़ के ऊपर से आए और इधर नीचे जा रहे हैं. ये देखो वो मार्केट है कबाले सेंटर मार्केट, वहाँ पे हमने पहले आपको दिखाया था, उधर मार्केट के अंदर गए थे. और यहाँ पे बहुत सारे इंडियन बिजनेस करते हैं जैसा कि भाई ने बताया. सो हियर इज लॉट ऑफ इंडियन पीपल लिविंग हियर. Yeah, they are many. They doing a business. Yeah, they own supermarkets, pharmacies. Own supermarket? Yeah. Really? In Kabale? Yeah. तो वहाँ पे इंडिया, यहाँ पे इंडियन वालों की supermarket है भाई, बहुत सारे इंडियन है. तो हम चलेंगे कुछ. So can we find out in any Indian? Yeah, we can. Okay, we can मतलब हम कर देंगे कुछ. तो अभी चलते हैं, देखते हैं कोई इंडियन वाला मिल जाए और उसके बाद हम चलेंगे इस तरफ, हमारे जो होटल है लास्ट में उधर जाएंगे और चपाती खा लेंगे. तो अभी पतली पतली गलियों में हम चल रहे हैं. यहाँ पे क्या है ना, छोटी छोटी दुकानें हैं और अंदर फोटो स्टूडियो वगैरह हैं, जैसे अपने वहाँ होता है वैसे ही. अब हम पहुँच गए मेन स्ट्रीट पे और ये मेन स्ट्रीट है. सो ये पीछे सुपर मार्केट है भाई, इसमें अभी हम गए थे. हमारे भावनगर के पटे भाई साहब हैं, रॉयल सुपर मार्केट देखो नाम, बहुत बहुत बढ़िया सुपर मार्केट है ये पूरा. इतनी बड़ी है और बहुत बिजी है. तो वो बोले कि अभी आप रुक जाओ, खाना वीना खा के जाओ. लेकिन हम तभी तक घूमते यार, वो भी अपना काम कर रहे हैं तो डिस्टर्ब ना करे. इधर बहुत और भी इंडियन मार्केट है, सुपर मार्केट है. तो गुड. एंड यू? यस. यू आर गुड? व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज ब्रायन. व्हाट इज दिस? इज इंडियन, इज रोमन, इज पोटैटो एंड अदर थिंग्स लाइक. गुड, नाइस टू मीट यू, थैंक यू. तो अब चलते हैं हम आगे, इनसे बाद में मिलवाएंगे आपको. अभी वो काम में है तो शायद शाम को वापस आएंगे. भाई यहाँ पे देखा बहुत 3-4 यार बड़े बड़े सुपर मॉल है यार, वहाँ पे काफ़ी सारे इंडियन लोग काम कर रहे हैं और लोकल लोग भी वहाँ पे नौकरी करते हैं. तो अच्छा लगा यार, इतना दूर आके भी इंडियन लोग हर जगह, और वो भी गुजराती, भावनगर सुरेंद्र नगर से. तो इधर दुकान थी, अब इतनी ग्राहकी है ना कि मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता. मैंने खाली उनको पूछा आप गुजराती हाँ कहाँ से हो, बस ठीक है. वो अपने बिजनेस में काम कर रहे, हम लोग घूमते घूमते आगे उनको डिस्टर्ब करें. बच्चा देखो छोटा पीछे, सो क्यूट. तो अच्छा लगा, तो भाई नहीं दिखाया. थैंक यू ब्रदर, यू शोइंग इंडियन पीपल. या बस अभी हम चलते हैं धीरे धीरे उस तरफ. वो मेरे को खाने का भी बोले. रियली? और भाई ये देखो बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे युगांडा में, क्या बात है यार, मजा आ गया. अब पता नहीं इस ATM से क्या निकलता है. सो इन दिस ATM लाइक करेंसी इज युगांडा करेंसी? या नो इंडियन करेंसी?
इंडियन कलर्स। और देखो यहाँ पे गनमैन सिक्योरिटी, भाई क्या बात है, एयरटेल है, लोग है इंडियन, सुपरमार्केट इंडियन और बैंक ऑफ बड़ौदा भी है, कमाल। इंडिया। तो दोस्तों कबाले सिटी का टूर खत्म हुआ और मेरे साथ जो भाई साहब थे उसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि काफी सारे दोस्त पूछते हैं भाई आप जब नई जगह जाते हो तो आपको आदमी कैसे मिल जाते हैं, किसे कैसे ढूंढ लेते हो। तो इसके बारे में इंटरेस्टिंग बात आज के वीडियो की बता देता हूँ कि आज मैं जब कबाले सिटी आया, जब रवांडा से युगांडा आया था सुबह में, तो मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो एक एयरटेल सिम बेचने वाला बंदा था, उसके पास मैं काफ़ी देर बैठा था, एक घंटा लगभग, कि यार सिम कार्ड चालू नहीं हो रही थी इसलिए इससे बैठे बैठे दोस्त बन गया। तो बैठे बैठे ऐसे दोस्त बना और वो बोला कि मैं साथ में चल जाता हूँ। मैंने उसको बोला, पूछा कि तेरी इनकम कितनी है, कितना महीने का कमा लेता है, तो वो बोला $30 समथिंग कमा लेता हूँ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी उसी के बारे में, महीना भर काम करने के बाद $30 की इनकम, आप समझ लीजिए कितना लोग हार्डवर्क करते हैं, 8 किलोमीटर साइकिल से आता है और शाम को 9 बजे वापस घर जाता है। तो ये कहानी है उस बंदे की। तो वो बंदा मेरे साथ आ गया और मेरे को घुमाने लग गया, बोले कि मैं शाम को कोई दिक्कत नहीं, मैं आ जाऊँगा आपके साथ घूमने के लिए। तो बस ऐसे ही दोस्त बन जाते हैं, जब बात करते हैं तो बात बन जाती है, बस यही एक फॉर्मूला है कि लोगों से बात करनी पड़ती है और बात करने से बात बन जाती है। तो मैंने भी ऐसा ही किया कि इस वीडियो को फिलहाल समाप्त करते हैं, कल यहाँ से हम निकलते कंपाला के लिए, वो अगले वाले वीडियो में आपको दिखाऊंगा, और इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते एक नए वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।